नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में वाईफाई क्रांति लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम वाणी योजना को दी मंजूरी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को भी मिली स्वीकृति। उत्तराखंड में कोरोना से बचाव के लिए नए साल की शुरुआत में वैक्सीन मिलने की उम्मीद। पहले चरण में 93,000 लोगों को लगाई जाएगी ये वैक्सीन। प्रदेश कैबिनेट ने 15 दिसंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने को दी मंजूरी। शहरी क्षेत्र में बीपीएल और 100 वर्ग मीटर से कम जमीन वालों को अब 100 रुपए में मिलेगा पेयजल कनेक्शन। और कृषि उत्पादों के त्वरित परिवहन के लिए रेलवे देहरादून से चलाएगा किसान स्पेशल ट्रेन। नियमित इस्तेमाल करने वाले किसानों को किराए में मिलेगी 20% छूट। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाईफाई सुविधा प्रदान करने के लिए डेटा कार्यालयों के माध्यम से लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा को पीएम वाणी के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब ये कैसे काम करेगा ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है। 4G कनेक्टिविटी के लिए आसाम के 2 गांव और पूरा अरुणाचल ये 4G हो तो इसको हम बिल्कुल आज प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कैबिनेट में हमने इसको अप्रूव कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1,584 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि योजना के अंतर्गत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को 2 साल के लिए सब्सिडी देगी। सरकार 1,000 कर्मचारियों की संख्या वाले प्रतिष्ठानों के नए कर्मचारियों के लिए नियोजक के 12% के अंशदान के साथ साथ कर्मचारियों के हिस्से के 12% का भी भुगतान करेगी। सरकार की ओर से कुल 24% का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाए। योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ पाए। इस योजना के द्वारा हमने इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी भी जाने की दिशा में काम किया है और यह योजना उन सब पर लागू होगी जो 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नौकरी पर रखे जाएंगे। मार्च के बाद से लेकर बताया जाता है बहुत सारे लोग निकाल दिए गए, वो जो निकाल दिए गए वो भी अब अगर रखे जाएंगे तो उनको रखा जाएगा। और इसमें एक खास बात यह है, इनका 24% अंश यानी 12 नियोक्ता का और 12 श्रमिक का, ये सारा का सारा ईपीएफ अंशदान देगी और ये उन सब कर्मचारी में होगा जिस संस्थान में 1,000 तक कर्मचारी कार्यरत हैं। उत्तराखंड में पहले चरण में 20% लोगों को ही कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। 55 साल से अधिक उम्र के लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन प्राथमिकता से लगाई जाएगी। आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में वैक्सीन के संबंध में कैबिनेट के समक्ष प्रेजेंटेशन भी दी गई। शहरी विकास मंत्री व शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि वैक्सीन के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। पहले फेज में 93,000 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। वैक्सीन की कोल्ड चेन को मजबूत बनाने के लिए राज्य की ओर से केंद्र को रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, कूलर, कैरी बैग आदि की डिमांड भेजी गई है। हम लोगों ने जो नीचे तक के सारी तैयारी थी उसको पूरी कर ली गई है। जिला स्तर पर कितने हमें कोल्ड स्टोरेज या किस प्रकार की हमें वैक्सीन रखने के लिए -4 डिग्री तक की आवश्यकता पड़ेगी वो तैयारी है।
उसके नीचे तक हमने जो जिला स्तर पर कमेटी बननी थी वो बन गई है, ब्लॉक स्तर पर थी वो बन गई है, ताकि वैक्सीन उपलब्ध होने की स्थिति में हम लोग तत्काल उस सारी वैक्सीन को जिन लोगों को आवश्यकता हम तक पहुंचाएं। फर्स्ट फेज में 3 कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन देने का निर्णय लिया गया है। एक तो जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उन सबको, एक जो फ्रंट लाइन वर्कर है वो, एक 55 साल से आयु के ज्यादा वर्ष के वो लोग जो किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, ये संख्या लगभग राज्य में 93,000 या उससे ज्यादा बैठती है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन नए साल की शुरुआत में आने की उम्मीद के चलते सरकार ने राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर लिया है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सभी सरकारी और निजी अस्पताल व संस्थानों के स्वास्थ्य कर्मियों के कुल 9 श्रेणियों में बांटकर प्लान तैयार किया गया है। उत्तराखंड में 15 दिसंबर से सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय खोल दिए जाएंगे। राज्य में कोरोना के चलते इस साल मार्च पहले पखवाड़े में उच्च शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए थे। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को खोलने के साथ ही कोविड 19 से संबंधित सरकारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्टाफ या छात्र के संक्रमित होने पर इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उक्त आशय का निर्णय लिया गया। आज सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम लोग 15 दिसंबर से राज्य के अंदर जितनी उच्च शिक्षण संस्थाएं उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। उसमें हमारे चाहे वो राजकीय यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, राजकीय डिग्री कॉलेज हो और प्राइवेट डिग्री कॉलेज हो और टेक्निकल हो, सभी प्रकार की जो उच्च शिक्षण संस्थाएं 15 दिसंबर से वो सारी खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन उनके लिए अनिवार्य होगा और अब 15 तारीख के बाद सारी शिक्षण संस्थाएं विधिवत खोली जाएंगी। कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव विचार के लिए रखे गए। इनमें एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक के लिए रखा गया है, जबकि एक अन्य निर्णय के लिए कमेटी बनाई गई है। 27 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इनमें देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिस्ट के पदों को मंजूरी दी गई। वहीं रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 927 पदों की स्वीकृति दी गई। देहरादून के राजपुर रोड पर सिंचाई विभाग की ओर से दिए गए पट्टों को वापस लेने का भी फैसला कैबिनेट ने किया। राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर से कम जमीन वालों को अब 100 रूपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। उत्तर रेलवे की व्यापार विकास इकाई मुरादाबाद की ओर से कृषि उत्पादों के लिए किसान रेल नाम से स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है। इसके लिए देहरादून की कृषि उत्पादन मंडी समिति से बातचीत की गई है। इसके तहत सब्जी व फलों की आवाजाही करने वाले व्यापारियों के नाम और नंबर के साथ ही सामान आने और जाने के स्थान का भी विवरण मांगा गया है। देहरादून स्टेशन के मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक विवेक कुमार घई का कहना है कि इससे किसान अपने फल, सब्जी और अन्य उत्पादों को दूसरे राज्यों तक कम समय और कम किराए में आसानी से पहुंचा सकेंगे। जो लोग नियमित तौर पर फल सब्जी भेजेंगे उनके किराए में 20% कम करने का भी प्रावधान है। हिल स्टेट्स में जो एग्रीकल्चरर्स, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो उनके लिए एक नई योजना रेलवे द्वारा शुरू करी गई है जो किसान स्पेशल ट्रेन है। और जो किसान, जो पार्टी हमें कंटिन्यू ट्रैफिक देगी उस पर भी सरकार ने, उस पर भी हमारे सीनियर डीसीएम रेलवे बोर्ड से कि वो है कि इस पर 20% का डिस्काउंट भी तो फ्यूचर में मिलेगा। देहरादून के निरंजनपुर स्थित कृषि मंडी के सचिव विजय प्रसाद थपलियाल का कहना है कि रेलवे की ओर से किसान रेल संबंधी प्रस्ताव आया है, इसके लिए तैयारी की जा रही है। मंडी में किसानों के उत्पाद कहां कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, इस संबंध में जल्द ही रेलवे को पूरा ब्यौरा उपलब्ध करा दिया जाएगा। कि रेलवे की तरफ से एक प्रपोजल आया है कि वो लोग किसान रथ चलाना चाह रहे हैं, जो कि बेसिकली उसका रीजन जो होगा कि जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस को यहाँ से डायरेक्ट अन्य स्टेट को ले जा सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उनका एक लेटर भी रेलवे बोर्ड की तरफ से हमें देहरादून के जो रेलवे हैं उनसे हमें प्राप्त हुआ
हम जल्दी इस जो इस पत्र के जवाब में हम जल्दी उनको जवाब दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से कहाँ से यहाँ से अराइवल जो होती है हमारे मंडी में आती है और यहाँ से किन किन राज्यों को जाती है, तो हम उनको शीघ्र प्रेषित कर देंगे। उसके पश्चात ही रेलवे बोर्ड में डिसीजन लेना है कि वो कितने जगहों इस रेलवे को चला सकते हैं। और जैसे उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया कि इसमें 20% की वो लगभग उसमें रियायत देंगे, जो किराए में अन्य जो ट्रेन में होती है उसके हिसाब से 20% में कमी रहेगी। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हल्द्वानी में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। डीजीपी का पदभार संभालने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में पुलिस को हाईटेक बनाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे अपराधियों में उसका खौफ रहे। हालांकि उन्होंने महिला थाना खोलने की आवश्यकता से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हर थाने में महिला पुलिस की तैनाती है और महिला अपराधों से सख्ती से निपटा भी जा रहा है। एक श्रीनगर और एक अल्मोड़ा, वहाँ कोई विशेष अपराध के वो नहीं है। महिला जो है हमको उसकी बजाय क्या मिला, हमारे 159 थाने प्रदेश की, हर थाने में एक एसआई महिला और 4 महिला कांस्टेबल हमने लगा दिए, तो हर थाना महिला फैमिली है। मैं खाली एक विशेष थाना बनाऊ उसके बजाय मेरा प्रयास है कि हर थाना महिला फैमिली हो, कोई भी महिला कोई भी लड़की बच्ची वहाँ जाने में अपने को असुरक्षित महसूस न करे, उसे झिझक महसूस न करे, सीसीटीवी लगा दिया हमने हर थाने। पुलिस महानिदेशक ने साइबर क्राइम को मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी और खतरनाक चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में सख्ती भी दिखा रही है, लेकिन साइबर क्राइम से निपटने के लिए जन जागरूकता जरूरी है। पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होता है, तो ऐसे में नेचुरल है कि क्रिमिनल भी ऑनलाइन है, जब पैसा ऑनलाइन आ गया तो अपराधी भी ऑनलाइन। सर आपके इसी तरह सोशल संबंध ऑनलाइन होगा, सोशल लाइन होंगे ना, फेसबुक पर सब रिश्ते बन रहे हैं, तो वहाँ भी क्राइम शुरू हो गया महिलाओं के साथ, मतलब बदतमीजी या बुलिंग, तो ये सारी चीजें नेचुरल है कि क्राइम ये इसमें बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हमें जागरूकता की जरूरत है। कोटद्वार में 20 दिसंबर से सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। भर्ती रैली की तैयारियों के संबंध में आज कोटद्वार में सैन्य अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के बीच एक बैठक आयोजित की गई। भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर कोटद्वार में होने वाली भर्ती रैली में विशेष सावधानियां बरती जाएंगी। केवल उन्हीं युवाओं को भर्ती रैली में शामिल किया जाएगा जिनके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। साथ ही अनलॉक गाइडलाइन के प्रावधानों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। और तकरीबन 46,000 कैंडिडेट्स ने गढ़वाल के अपने आप को पंजीकरण किया हुआ है यहाँ पे, उसमें से हमको उम्मीद है कि ऑलमोस्ट 35,000 to 40,000 कैंडिडेट्स रैली अटेंड करेंगे। और जो रैली का कंडक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया, जिसमें तय सड़के अपनी बताई हुई तारीख को रैली ग्राउंड पर उपस्थित रहेंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके जो भी बच्चे आएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को लेकर सबसे पहले तो जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे उनको अपने साथ कोरोना नेगेटिव का एक सर्टिफिकेट लेके आना होगा। ग्राउंड में हमारे पास बहुत जगह है, इसलिए जो अनलॉक 4 अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के हिसाब से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा वो आराम से हो जाएगा। दूसरी ओर कोटद्वार के उपजिलाधिकारी योगेश सिंह मेहरा ने बताया कि 20 दिसंबर से प्रस्तावित भर्ती रैली के लिए स्थानीय प्रशासन के स्तर से भी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। भर्ती रैली में आने वाले युवाओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। चाहे वो पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना हो या जिस तरह से यहाँ पे प्रतिभागी आएंगे, लोग आए, बच्चे आएंगे, उसके अनुसार शौचालय की सुविधा की बात हो या पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की बात हो और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जितनी भी जो भी यहाँ पर आवश्यकता के दृष्टिगत कार्य किया जाना उसका एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई है। और इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि बाहर से आने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको किसी तरह की जो है असुविधा का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में वाईफाई क्रांति लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम वाणी योजना को दी मंजूरी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को भी मिली स्वीकृति। उत्तराखंड में कोरोना से बचाव के लिए नए साल की शुरुआत में वैक्सीन मिलने की उम्मीद। पहले चरण में 93,000 लोगों को लगाई जाएगी ये वैक्सीन।
प्रदेश कैबिनेट ने 15 दिसंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने को दी मंजूरी। शहरी क्षेत्र में बीपीएल और 100 वर्ग मीटर से कम जमीन वालों को अब 100 रुपए में मिलेगा पेयजल कनेक्शन। और कृषि उत्पादों के त्वरित परिवहन के लिए रेलवे देहरादून से चलाएगा किसान स्पेशल ट्रेन। नियमित इस्तेमाल करने वाले किसानों को किराए में मिलेगी 20% छूट। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।